मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी। वहीं बुरहानपुर जिले में मतगणना की कमान महिला अधिकारियों के हाथ में होगी। बुरहानपुर महिला कलेक्टर भव्या मित्तल और एसडीएम समेत पल्लवी पौराणिक समेत अधिकांश महिला अधिकारी इसकी बागडोर संभालेंगी। इसी क्रम में कलेक्टर भव्या मित्तल ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सभी पार्टियों के एजेंट के सामने ही स्ट्रांग रूम ओपन किया जाएगा और इसके लिए 2 दिसंबर को एक बार फिर से मॉक ड्रिल कराई जाएगी। तीन दिसंबर को हमारी विधानसभा की मतगणना होगी, जो हमारे यहाँ पे डायट हॉल में होगी। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। हमारे 18 टेबल लगाए हैं हमने बुरहानपुर विधानसभा में ईवीएम की गिनती के लिए, एवं 4 टेबल लगाए हैं पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए। और नेपानगर विधानसभा में 14 टेबल लगाए हैं ईवीएम गिनती के लिए और 4 टेबल पोस्टल बैलेट के लिए। हमारे 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी और आधे घंटे बाद हम ईवीएम की गिनती प्रारंभ करेंगे। सुरक्षा की क्या व्यवस्था रहेगी मैम? सुरक्षा व्यवस्था के लिए हमारी 3 टायर कॉर्डन अभी से ही लगा हुआ है, जो काउंटिंग मतदान के दिन से काउंटिंग के दिन तक रहेगा। और इसमें बाहर तरफ हमारा डिस्ट्रिक्ट फोर्स है, सबसे अंदर तरफ हमारा सीआरपीएफ का बल है। हमारे आईडी कार्ड्स जो हमने काउंटिंग स्टाफ को, काउंटिंग एजेंट्स को और मीडिया को जारी किए हैं, उनको देखकर ही एंट्री होगी। मोबाइल्स हमारे काउंटिंग हॉल के अंदर वर्जित रहेंगे और डीएफएमडी की व्यवस्था होगी। और हमारी जो पूरा रास्ता है जहाँ से स्ट्रांग रूम से हमारे काउंटिंग हॉल में एंट्री होती है, उसकी भी सीसीटीवी की फुटेज काउंटिंग हॉल के अंदर काउंटिंग एजेंट्स को देखने के लिए रहेगी, दिखाने के लिए कि हम पूर्ण सुरक्षा में हमारे मशीनों को लेकर आ रहे हैं। मीडिया के लिए क्या दिशा निर्देश है? अंदर मोबाइल अलाउड रहेंगे? मीडिया हॉल तक मोबाइल और गैजेट्स अलाउड रहते हैं और काउंटिंग हॉल के गेट तक भी, काउंटिंग हॉल के गेट से विजुअल्स बना सकते हैं। उसके उपरांत किसी भी व्यक्ति को काउंटिंग हॉल के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं रहता है और खाली ऑब्जर्वर और आरओ को एक ईटीवीबीएस की ओटीपी के लिए मोबाइल अलाउड होता है। मैडम, टोटल जो है कितने कर्मचारी इस व्यवस्था में जुटेंगे? करीबन 200 कर्मचारी हमारे काउंटिंग टेबल्स पर और पोस्टल बैलेट के टेबल्स पर लग रहे हैं। साथ साथ में हमने सीलिंग के लिए अलग से एटलीस्ट 100 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है और ईवीएम लाने ले जाने के लिए 30 लोगों की ड्यूटी लगाई हुई है।